अभी हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष सतीश चंद बोध जी बोल रहे थे और बता रहे थे वही 10 दिन के शिविर के बारे में आप लोगों को अपनी तरफ से 2 शब्द बोल रहे थे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे पूर्व गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी हैं, उन्होंने भी आग्रह किया था कि 2 मिनट मुझे भी मिलने चाहिए, तो मैं कहूँगा देवेंद्र जी से भाई और नाम अपने दोस्त बोल दिया क्या नाम देवेंद्र जी वाले महाकाल में तथागत उनके संघ को है मंदा और सभी नमो पासक उपासिकाओं को नमो बुधाए जोर से बोलो। मैं बाबू जी के शरण में हूँ, पूज्य को विद्वान है, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट लूँगा। मैं 4 बार भी प्रश्न कर चुका हूँ गोयनका जी, 10 दिन का ये आपका शिविर है और 10 दिन तक दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपका संपर्क नहीं है। मोबाइल यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लोगों का पैसा लग रहा है, खाने का पीने का हर चीज का आपका इंतजाम रखा हुआ है, ध्यान ध्यान साधना बाकी दुनिया में क्या सुख हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको इस बुद्ध विहार के अंदर रहना और बाहर के तार लोग छोड़ दें। अगर आप आए हैं ध्यान साधना और मौज मस्ती के लिए सारी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि ये 10 दिन का जो अनमोल है प्रतिदिन आपको अष्टांगिक मार्ग जो पूज्य भिक्षु संघ और बोधाचार्य बताएंगे 8 शील पंचशीलम करते हैं ना, 8 शील होते हैं भिक्षु के, तो वो आपको 8 दिन भिक्षु का जीवन जीना है। तो ध्यान पूर्वक ध्यान साधना करें, जिस दिन आप जिससे 10वां दिन होगा तो आपके शरीर में से तरंगे निकलेंगी अगर आपने ध्यान से विपश्यना करें तो। और मेरा कमेटी से भी ये निवेदन है कि मोबाइल 10 दिन तक किसी भी व्यक्ति का यूज ना करने दिया जाए, उन्हें बिल्कुल वहां बंद करवा दो, किसी की इमरजेंसी कॉल होगा उसका मोबाइल नंबर दे दो, उसके घर कवर कर दी जाएगी, जिसे जाना हो 2 दिन में जा सकता है, उसके बाद कोई व्यक्ति निकल कर नहीं जाएगा। हर दिन 1 शील का पालन आप लोग करेंगे ध्यानपूर्वक, मेरे लिए सौभाग्य है, मैं बहुत जी के सुनाऊँ तो ये आप ध्यान रखिए 10 दिन आपके जीवन में उजाला कर देंगे अगर ध्यान से आपने ध्यान साधना करी तो। मोज मछली के लिए नमो बुधाए संघ के गुरु जो है अभी हमारे बीच में देवेंद्र गौतम साली जी अपने विचार रख रहे थे और बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने विपश्यना के शिविर भी किए हैं और क्या है कि ये 10 दिन से बोधाचार्य शिविर जो हमारा उससे भी अलग है और उससे भी अच्छा, जब आप इसे करेंगे तो तब समझ पाएंगे, क्योंकि ये जिले का प्रोग्राम है। तो मैं हमारे मेरठ जिले के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह बोध जी से आग्रह करूँगा आएँ और 2 शब्द का माँ मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन नहीं है ये, ठीक शुभेच्छा।